जो बहुत दिनों से मैं बोल रहा था कि बहुत कड़क वाली ड्यूटी हमारी लगने वाली है, वो ड्यूटी की शुरुआत आज से हो गई है। जो टाइलें हैं वो पूरे बरामदे में यहाँ लग चुकी है वहाँ तक। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, हमारे पहाड़ की एक स्वादिष्ट सब्जी है, इसको हम बोलते हैं हिंदुलिया छीमी। ये तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके बीच में मुझे एक इनका राजा दिखा, ये वाला। तो ये है पहाड़ी कलियो अड़सा और रोटना, ये रोटना है बिस्किट। केदारनाथ नहीं जा रहे हो? क्या करना, केदारनाथ केदारनाथ मेरे यही हो रहा है। खड़े उठ के नहीं हो रहा है, तो माँ देखो बैठ बैठ के कर रही है और खिसक भी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है तो घर पे बैठ लूँ एक दो दिन। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं, एक बार फिर अपनी नई मकान की छत से बहुत तेज वाली धूप के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और धूप इतनी ज़्यादा तेज है कि मुझे छाया पे आके ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है। और थोड़ा धूप पे जाऊँ तो मतलब सीधे आंखें बंद हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज धूप लगी हुई है। और आज जो सामने के नज़ारे हैं वो थोड़ा गायब हो गए हैं एक बार फिर से, क्योंकि ये देखो दो तीन दिन बाद फिर से वहाँ पर काफ़ी सारे बादल सुबह सुबह आ गए हैं। थोड़ा बहुत चौखम्बा पर्वत देखने को मिल रहा है, बाकी पूरी श्रृंखला आप देख सकते हैं बादलों के अंदर थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है, बहुत सारे वहाँ पर बादल आ गए हैं। और आज जो बादल हैं वो सिर्फ हिमालय के ऊपर ही नहीं हैं, बल्कि पूरे आसमान में थोड़ा बहुत देखने को मिल रहे हैं। और इस साइड तो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, यहाँ भी और यहाँ से भी। तो हो सके तो आने वाले टाइम पे कुछ दिन में बारिश भी हो जाए, और जैसे ही बारिश आएगी ना उसके बाद जो ठंड है वो बिल्कुल डबल हो जाएगी, और दिन में भी हमको जैकेट पहनना पड़ेगा। और अगर ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो एक खुशी भी होती है कि साल बर्फबारी होगी और खूब हम मज़े करेंगे। नहीं तो पिछले साल मैं बोल ही रहा था कल भी कि बर्फबारी सही से हुई नहीं, लेकिन हम ऊपर क्रोन पर्वत पर गए थे और हमने खूब आनंद लिया था बर्फबारी का, और वीडियो के माध्यम से आपको भी दिलाया था। और सोच रहे हैं कि इस बार हमारे ही गाँव में अच्छी खासी बर्फबारी हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। और अभी आया हूँ मैं खेतों की ओर, और कल की तरह देखो माँ आज भी लगी हुई है जो बच्चा घास इसमें हो रखा है उसको काटने पे। खड़े उठ के नहीं हो रहा है, तो माँ देखो बैठ बैठ के कर रही है और खिसक भी रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा दर्द हो रहा है तो घर पे बैठ लूँ एक दो दिन। हैं, कुछ नहीं बोलेगी? हाँ क्या है, दिख रहा है क्या है? खड़ी उठ के भी नहीं काट पा रही है। चलो अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है ठीक है, काटते रहो। कल बारिश आएगी और होगा वो बचा था, जुकाम खांसी भी ठीक नहीं हो रही है, पर ना हॉस्पिटल भी नहीं जाना है, काम भी नहीं छोड़ना है, आराम भी नहीं करना है, क्या बताएं माता जी को। उठ भी नहीं रही है, देखो ये कैसे खिसक खिसक के चल रही है, ऐसे में काट रही है। आज तो तेज़ धूप लगी हुई है, लेकिन आने वाले टाइम पे मैं सुबह ही बोल रहा था बारिश आ सकती है, इसीलिए माँ आज जो अंदर हमने घर के अंदर जो अनाज रखा हुआ है उसको बाहर आ रही है सुखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, और ये अनाज सारा यहाँ पे सार के रख दिया है मैंने, अब आराम से इसको फैलाती रहेगी, सुखाती रहेगी। और ये जो है जौ है, जौ, और माँ को बड़ी टेंशन हो रखी है कि इस पर कोई कीड़ा ना लग गया होगा अंदर, काफ़ी टाइम से अंदर ही अंदर है ये है? हाँ। और मेहनत भी इस पे चार गुना लगी है। किसी को चाहिए होगा तो आ जाना, हमारे बैल तो है नहीं, बैलों पर खत्म हो जाती है, बैल बकरियों के लिए। तो अगर आप लोगों में से जो नज़दीक से मुझे देख रहे हैं जो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, तो आप हमारे यहाँ से जौ लेके जा सकते हैं, हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में अभी जौ हैं।
जौ के साथ साथ छत में आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल मिर्च भी सुखाने के लिए डाली हुई है। तो अब इनका स्वादिष्ट सा नमक पीसना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो माल्टे हैं वो देखो पकने के लिए हो गए हैं, 15-20 दिन में ये भी तैयार हो जाएंगे। तो माल्टे की हम खटाई बनाएंगे, उसके लिए स्वादिष्ट सा टेस्टी पहाड़ी नमक तो चाहिए ही चाहिए। तो बोलते बोलते ही मुँह में सीधे पानी आ रहा है खटाई का नाम सुन के। तो खटाई जब बनेगी तो मज़ा आ जाएगा, और फिर आप लोगों को भी हम मज़े दिलाएंगे वीडियो के माध्यम से। अगर आपको खानी है तो आपको पहाड़ों में आना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो ये स्ट्रॉबेरी है तो भाई सामने कुछ यहाँ से निकाल के खेत में लगा दी है, और यहाँ पर अभी भी बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। और ये वाला कद्दू तो मैं बहुत टाइम से आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ा तो नहीं हुआ इससे ज़्यादा, लेकिन हल्का पीलापन इसमें आ गया है, तो इससे बड़ा शायद अब ये नहीं होगा। और एक छोटा सा है ये भी पीला पड़ गया है, ज़्यादा तो माँ को ही पता होगा है। वो बहुत पहले का है, अब नहीं होगा बड़ा ना। और माँ बोल लिए इससे पहले का ये है, और ये इतना का इतना ही रहा, और ये तो फिर भी थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है। तो खाना तैयार है, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं खाने में भात है, हरी मिर्च है, आम का अचार है, हरी सब्जी है, और उसके साथ दाल लगा दे। अम्मो हेलो चाची। हेलो गाइस, मैं भी अब तक डाल रहा हूँ मो, मैं भी 15 का ना डाला मोलो का। आजकल मो की ड्यूटी लगी हुई है। आज मैंने सक दिया हाँ। पर अब ये कतिर रह गई मेरी। अब कहाँ की तैयारी हो रही है? अब घास के ले जा रहा हूँ यार, क्या करें यार। अब घास के ले जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, घास लाना है, कल बोतना है। केदार क्यों जाऊंगा भाई, यही रहूंगा। केदारनाथ नहीं जा रहे हो? क्या करना, केदारनाथ केदारनाथ मेरे यही हो रहा है। अरे वहाँ भी चलो यात्रा करने। चलो हाँ, जहाज में जाना है। पैदल यात्रा तो पैदल होती है। दोस्तों शाम के 4:30 हो रहे हैं, मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और जो बहुत दिनों से मैं बोल रहा था कि बहुत कड़क वाली ड्यूटी हमारी लगने वाली है, वो ड्यूटी की शुरुआत आज से हो गई है। यहाँ देखो झुमोरा भी यहाँ जाम गए, तो माँ है, और माँ यहाँ पर गोबर भर रही है। कंडों में एक कंडा ये भरा हुआ है और एक कंडा ये भरा हुआ है, और अभी भाई साहब ने बड़ी ड्यूटी निपटा दी अपनी। भाई साहब ने चार डाल दे, चार तूने डाला बस, हो गया आज के लिए उतना ही है कि पूरे सीजन के लिए हो गया ना। ना सीजन के लिए तो खेत में आते थे तब डालेंगे, तो ठीक नहीं डालेंगे तो देख लेंगे। अच्छा, वो तो माँ खाली एक दिन बोलती है कि नहीं नहीं, और माँ की जो गिच्ची है ना वो इतनी चिफी हो जाती है उस टाइम पे जब ऐसा काम कराना हो, चार 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 करके ना वहाँ पूरा मतलब पता नहीं कितने कंडे डलवा देती है। पर चलो खेत कर रखे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो चलो भाई सामने वाले चार कंडे डाल दिए हैं, और हम दोनों साथ में डालते तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए चार चार करके डालने पड़ रहे हैं। एक भाई साहब वहाँ ले गए होंगे, माने दूसरा भरा होगा, तो वैसे ही मुझे भी करना है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, इस साल इस सीज़न की पहली ड्यूटी अपनी पूरी कर लेते हैं गोबर के कंडे के साथ में। अब तुम्हारी क्या ड्यूटी है? भरने की। वो कोई ड्यूटी होती है? तो भरो तो एक एक टाइम हम भरते हैं, ले जाओ तब ले जाओ, मेरे बस की बात नहीं। जो चोट लगी है ना उसमें बहुत दर्द हो रहा। और यहाँ देखो गोलू महाराज, और गोलू महाराज आज पूरे गांव का भ्रमण कर रहे हैं। क्यों? किस चीज का पहना है? विवाह का। विवाह का शादी का पहना है, और पहने बता क्या चीज है? तो ये तो थैला वैसे खत्म हो गया है, लेकिन हमारे पहाड़ों में थोड़ा हाथ पे निकाल के दिखा जरा, जो पहना दिया जाता है शादी का हो चाहे वो दूसरा पहना हो, तो ज्यादातर ये है। तो ये है पहाड़ी कलियो अड़सा और रोटना, ये रोटना है बिस्किट, इसको पहाड़ी बिस्किट बोलते हैं, और ये इसी का दगड़िया है, जैसे गोलू मेरा दगड़िया है। दगड़िया को भी खिला दे फ्री में,
कम हो जाएगा तब है। और माँ बोल लिया मत गाड़ बोल कहीं कम हो जाएगा, गिन के ला रखे। छोड़ यार कम होंगे तब, चलो बाद में कभी, अभी जाओ आप ड्यूटी पूरी करो अपनी। तो परसों शादी हुई थी ना, तो उस टाइम भी ये कलियो बनाया हुआ था। तो हमारे पहाड़ों में जब शादी होती है, मैंने बताया था, जब कोई लड़की अपने मायके आती है तो उसके लिए फिर ये बनाते हैं, वो फिर ससुराल में बांटते हैं। तो हमारे पहाड़ों में मिठाई का आजकल क्रेज़ चल रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर अभी यही वाली मिठाई बनाई जाती है जो गाँव में बनाई जाती है, अड़सा रोटना, इसको भी पहाड़ी मिठाई ही बोलते हैं। हाँ वो हमारा नहीं होगा क्या? हाँ वही मायके से आया होगा ना। तो हमारे यहाँ भी बनाया था, तो वो हमारे जो क्या बोलते हैं ध्यान, जैसे मेरी दीदी आई थी, ऊपर ममता दीदी आई थी, दूसरी और बहुत सारी दीदियाँ गांव की आई थी, तो उनके लिए यहाँ से दिया होगा। लेकिन जो ये आज गोलू बांट रहा है, तो ये परसों हमारी जो नई बहू आई है गांव में, तो उनके ससुराल से आया है। हम ससुर हैं, हम भी। और माँ खुश हो रही है, ऐसा बोल बोल हम भी ससुर हैं। तो मैंने परसों भी बताया था कि हम बड़ी जवानी में ससुर बन गए हैं। हाँ और तुम क्या बने? बुढ़िया सासू, पुप सासू, बुढ़ सासू। अच्छा बुढ़ सासू, तभी तो बोला मैंने। हाँ अनुष्का बनी पुप सासू। तो नहीं, हम बुढ़ सासू, उसकी उसकी अपने सास तो सास हो गए, हम उसकी भी सास है, तो हम बुढ़ सासू हो गए, बुढ़िया वाली सास है। ठीक है फिर, धन्यवाद, बधाई हो आपको। What is this? क्या था ये? कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो चलिए अभी जो गोबर डालने का काम है वो कंप्लीट हो गया है, जो ड्यूटी थी वो कंप्लीट हो गई है। और ये देखो यहाँ पर हमने गोबर डाला है, तो चार कंडे भाई साहब ने डाले हैं और चार कंडे मैंने डाले हैं, तो आठ कंडा बहुत है वल इस खेत के लिए। बाकी कम पड़ेगा तो फिर बाद में लाएंगे। और जिन खेतों में मैं भी डाल रहा था ना, तो ये हमारे गांव के ऊपर वाले खेत हैं, इनको हम बोलते हैं मुंडियाव वाले खेत। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे कुल देवता नरसिंह भगवान का मंदिर, और एक अंकी भाई ने देखो यहाँ पर ये बना रखा है पुतला, तो बिल्कुल जैकेट जुकेट और ये टोपी टोपी पहना रखी है, बिल्कुल इंसान बन रखा है यहाँ पर पुतला। और अभी तक जो मेरी कैमरामैन थी वो थी आरुषि। हेलो भाई। और आरुषि देखो लाल टमाटर की तो जैसी हो रखी है, और साथ साथ में ये फूल भी आप देख सकते हैं ऐसे ही हैं, तो दोनों बड़े प्यारे देखने को मिल रहे हैं। और ये देखो फूल हमारे गांव में बड़े प्यारे यही वाले हो रखे हैं, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, लेकिन इनके बीच में मुझे एक इनका राजा दिखा, ये वाला। ये देखो साइड में छोटे छोटे और बीच में ये बड़ा सा प्यारा सा फूल। और इस फूल को क्या बोलते हैं, किस चीज़ का फूल है? हाँ तो ये गेंदा का फूल है, और इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यही वाले हो रखे हैं जो कि बहुत प्यारे हैं, मज़ा आ गया इनको देख के। और धन्यवाद आपका वीडियो बनाने के लिए। और पहाड़ों में गोबर मतलब उतना भारी होता नहीं है, मतलब नॉर्मली हम लेके जा पाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पहाड़ी रास्ते जो कि बड़े ख़तरनाक होते हैं, थोड़ा इनमें चलने में बड़ी दिक्कत होती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये ऐसे पैर टिका के चलना पड़ता है, तब जाके ऊपर वाले खेत में जाओ, और फिर यहाँ से भी कुछ ऐसे ऊपर का रास्ता था, तो ये वाला रास्ता बड़ा टफ था, पैर थोड़ा इधर उधर हुआ तो इंसान तो गिरेगा गिरेगा, साथ साथ में इतनी मेहनत से जो माने कंडी भर के रखी थी वो भी पूरी बिखर जाएगी। और चलो अब तो छुट्टी हो गई है, कोई टेंशन है नहीं। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर चाची लोगों की खड़छना काकड़ी, एक ये है और एक ये है,
और यहाँ चाचा जी ठीक ठाक। चाचा जी पीना बना रहे हैं। हाँ यार आज बोल दो तो पीना हो जरा। तो खेत में गोबर डालने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे पहाड़ की एक स्वादिष्ट सब्जी है, इसको हम बोलते हैं हिंदुलिया छीमी, और इसकी जो सब्जी है वो लाजवाब होती है, और ये इसकी कुछ ऐसी लगली होती है। तो ये हाल है चूहों के, माँ बोल ली है जैसे ही मैं यहाँ जो ये छीमी है वो निकालने के लिए ऐसे किया लगला वहाँ चूहा दौड़ा वाला ऊपर लगले हुए। तो चूहे भी बड़े कमाल के हो गए हैं इस बार तो कुछ ज़्यादा ही है। पर चलो आज ये सब्जी खाएंगे। ये देखो दिखने में ही कितनी प्यारी ये सब्जी दिखती है, तो इसका टेस्ट इससे भी लाजवाब होता है। और माँ देखो लंबिया लंबे आके निकाल रहे हैं। हिंदी या छीमी बोलते हैं इसको कि कुछ और बोलते हैं? पितुलिया छीमी पितुली छीमी बोलते हैं कोई है। दो नाम है इसके, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। पर सब्जी होती लाजवाब है। इसके फूल भी देखो कितने प्यारे हैं, फोकस ही नहीं हो पा रहा है। तो अभी आया हूँ मैं अपनी नई मकान पे, यहाँ पर टाइल का काम देखने के लिए, और टाइल का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, मतलब आधा कंप्लीट हो गया है। ऊपर वाला जो एरिया है वो लगभग पूरा हो गया है, बाकी अब कल से नीचे वाले फ्लोर पे काम करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो टाइलें हैं वो पूरे बरामदे में यहाँ लग चुकी है वहाँ तक, और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो ये कमरों में भी लग गई है, इस वाले कमरे में भी, और बाकी एक छोटा कमरा मैंने आपको जो दिखाया था उस वाले कमरे में भी लग गई है, ये आप देख सकते हैं। और मेरे साथ साथ माँ भी आ गई यहाँ देखने के लिए। अभी चलना नहीं है उसके ऊपर, तो चल रहा था मैं उसमें चल रहा हूँ जो कल लगाए थे ऊपर ही नहीं आना, ऊपर नहीं लगाए क्या? अरे वो नहीं लगाए थे। ठीक है हो गया यहाँ भी, और ये देखो यहाँ तक लग गया है अब वॉशरूम के आगे। देखते हैं अगर टाइल ये वाली बचेगी तो वही लगा देंगे, नहीं तो जो वॉशरूम में लगाएंगे वही आगे भी लगा देंगे जो फिसलन वाली ना हो। और यहाँ भाई साहब और माँ कुछ बोलना चाह रहे हो? बोलने चाह रहे हो ये भी तब लगाना कब? ऊपर वाली। हाँ वो तभी लगेगी। हा? एक बार पूरा बड़ा बड़ा कंप्लीट होगा। अच्छा ऐसे देख रहा हूँ उस पट्टी में उसमें तो इतने काटने पड़ेंगे। हाँ वो जो पीस बचे हुए हैं वो उस कटेंगे, उसके नया नहीं लाना पड़ेगा। ठीक है तब। तो चलो एक काम तो निपड़ गया ऊपर, और मैं लेके आया था 70 पेटियाँ, तो शायद कुछ पेटियाँ कम पड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी सिरदर्दी ये है कि यही वाली टाइल ना मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस दिन मैं गया था उस दिन वहाँ पर 76 पेटी थी, लेकिन उसमें से कुछ ख़राब हो रही थी, तो मैं 70 ही लेके आया था। बोल लेते फिर आ जाएगी 2-4 दिन में, तो कल जाएंगे अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा गड़बड़ा जाएगा पूरा माहौल हमारा। तो देखो अभी क्या होता है, वो कल ही मार्केट जाके मुझे पता चलेगा। फिलहाल मिस्त्री लोगों ने भी आज छुट्टी कर दी है, अब कल ही काम करेंगे वाला। अभी तक उन्होंने जो रेता रोता है मसाला है वो तैयार कर दिया, अब सुबह उठेंगे तो सीधे काम पर लग जाएंगे। और अभी थोड़ा बहुत अंधेरा हो गया है, और स्क्रीन पे देखिए जो चांद है वो बड़ा प्यारा देखने को मिल रहा है, और आसमान अभी थोड़ा बहुत बादलों से भर गया है, और ज़्यादा जो बादल हैं वो उस साइड को हैं वो हल्के हल्के आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आटा का हाथ भी है मेरा, और आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सरप्राइज करना, लाइक करना, शेयर करना, दबा के टाटा बाय बाय। इतनी जल्दी क्यों है आज? रोटी बन गई ना, अबे हाथ धोते आटे के, चलो बाहर चलो चलो। अब क्या ताड़ रखा मेरे पे? ठीक है धन्यवाद धन्यवाद, चलो।